इन दिनों बेगूसराय के सड़कों पर जिंदगी चलती नहीं बल्कि रेंगती है, जिसकी जीता जागता तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। जितनी तादाद में यह बेगूसराय का सदर अस्पताल है और सदर अस्पताल का एक यह वार्ड है, ऐसे में यहां जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से इस भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दर्दनाक हादसा हुई थी। ऐसे में कुछ घायल व्यक्ति जो हैं, हम उनकी तस्वीर आपको अब दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से लोग सड़क हादसे में घायल हुए हैं। आप सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और इस वक्त सदर अस्पताल में है। जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है सामने में, निश्चित रूप से वह एक दर्दनाक तस्वीर है। हालांकि सदर अस्पताल के कर्मी जो हैं आनन फानन में इनकी सेवा के लिए लग गए हैं, लेकिन जो स्थिति है हमें नहीं लगता है कि इनको यहाँ समुचित इलाज हो सकता है। बहरहाल यहाँ के जो कर्मी हैं वो सुचारू रूप से इलाज के लिए एकत्रित हो गए हैं और इनकी इलाज कर रहे हैं, जबकि एक लोग जो आपको हम दिखाते हैं वो सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, हम वहाँ भी लिए चलते हैं, उनकी भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब मिला जुला के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह दर्दनाक हादसा हुई है, और यह हादसा हाईवे पर हुई है बारात से लौटने के क्रम में। ऐसे में वहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला था, किस तरह से घटना घटी और अभी स्थिति क्या है। हम लोग बराती गए थे रजौड़ा से यहाँ तेघड़ा, और वापस जब लौट रहे थे तो 3 बजे के लगभग जो है गाड़ी जो है LP ट्रक था उसमें टक्कर लग गया। टक्कर लगने के दरमियान 8 लोग सवार थे, 1 लोग की मृत्यु हो गई यहाँ लाने के दरमियान, और 7 लोग बहुत इंजुरी बेट है, जो इसका यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं था। हम लोग आए तो इसे करा रहा था, जब हम लोग घर से वापस आए तो सब यहाँ रोड पे रखे हुए थे, और तब हम लोग जब बोले तब बैंडेज पट्टी करके सबको पटापट रेफर कर दिए, बोले मेरा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, आप लोग इंडज वाला यहाँ ले जाइए, ब्रेंड वाला यहाँ ले जाइए, अथी वाला के यहाँ ले जाइए, सबको यहाँ से रेफर कर दिए गए। तो हम लोग उसमें कर दिए, और इस लाश के ले जाने के लिए हम लोग अभी बैठे हुए हैं। क्या लगता है जो हाईवे का पोजीशन है, जो अभी 4 लेन डेवलप हुआ है, तो उसमें क्या आपके समझ से क्या लगता है, क्या सब सुविधा है? कटिन जो है वही रोंग कारण, और कटिन के पास ही ऐसा दुर्घटना हुआ है। हम आपको पीछे का भी नज़ारा दिखाते हैं, वह भी एक सड़क हादसा का ही नज़ारा आपको दिख रहा है। तकरीबन बेगूसराय में प्रत्येक दिन आधे दर्जन से ऊपर सड़क हादसे के मामला सामने आते हैं, और इसका एकमात्र कारण 4 लेन की जो सुविधा सरकार ने तय की है उसमें डायवर्सन में कहीं ना कहीं त्रुटि है, जिसके कारण आम लोग हादसे के शिकार होते रहे। बहरहाल इतना कुछ होने के बावजूद देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे इन चीज़ों पर सुधार करती है, ताकि आगे लोगों को सुविधा मुहैया हो सके। बेगूसराय से न्यूज़ लाइव के लिए जीवेश, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ लाइव।